अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का सीन ये है कि आज मैं आप लोगों को एक अजूबा दिखाता हूँ जो हमारे साथ हुआ 3 वीक्स पहले। ये देख सकते हो आप लोग, ये लॉक बिल्कुल सही सलामत है। इसके साथ ये लॉक भी आया हुआ है, ठीक है। अभी आप लोगों को एक नमूना दिखाता हूँ जो हुआ था और हमने उसको रिजॉल्व नहीं किया। टाइम गुजरता गया और वो वैसे का वैसे ही रहा। अभी आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। अब इस वॉशरूम का लॉक देख लो आप लोग, ये है इसका, ये देख रहे हो, इसके आर पार कुछ भी नहीं है। जिसके अंदर चाबी लगती है ना लॉक, वो है ही नहीं, इसमें से सिलेंडर ही निकला। बताओ, अब जो बंदा अभी वॉशरूम में जाएगा वो ऐसे बंद करेगा तो वो कोई भी खोल सकता है, अगर इधर चिटकनी ना लगी हुई हो। वैसे तो चिटकनी लगवा लेनी थी मैंने। तो खैर, अभी का सीन ये है कि अभी जाना है, ये सिलेंडर लेके आना है और यहाँ पे फिक्स करना है, और कुछ टाइल्स हैं नीचे वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, वो भी वापस करके आनी है। तो भी निकलते हैं फटाफट से, ये ले आते हैं लॉक और फिर इसको फिक्स करेंगे। ये वॉशरूम्स की टाइल बच गई थी, ये वापस करवा के नहीं लेने जानी है। बाबा जान बाइक निकालने लगे, मैं और बाबा जान ये वाली टाइल्स लास्ट टाइम वापस करवाने जा रहे हैं। अभी एक्चुअली ये थोड़ी सी बढ़ गई थी, ये पक्की पक्की परमानेंट वापस करवानी है। बाबा ने बाइक निकाल ली है तो ये उठाते हैं और फिर चलते हैं। इसको हाथ रखना बाबा जान, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। मैं दरवाज़ा बंद करने आ गया हूँ। चलो जी शादी। ओके, तो यार सीन ये है कि हम लोग पहुँच गए टाइल वापस करवाने टाइल शॉप पे, यहाँ से वापस करवाते हैं, न्यू लेके जाते हैं। ओके, तो ये बॉर्डर के गोले हैं, ये भी हमने लेके जाने हैं, ये भी वॉशरूम्स की टाइलों के साथ यूज़ होंगे। तो यार हमारी वॉशरूम की टाइल्स वगैरह हो गई, अब हम जा रहे हैं घर। ये हमारा डिब्बा पड़ा, हम ये लेके चलते हैं। तो यार अपनी टाइल्स आ गई हैं, एक एक्स्ट्रा टाइल भी है साथ, तो अब चल रहे हैं घर। तो यार जल्दी में भूल गए थे, ये बॉन्ड भी लेके जाना था तो अब दोबारा से रखवाया है। ये मुझे ही पता है कैसे लेके जाऊंगा, इतना ज्यादा हैवी वेट हो गया। तो यार ये टाइल्स भी आ गई, बॉन्ड भी आ गई, ये लॉक है ना ऊपर वाले वॉशरूम का आ गया, तो ये लगाते हैं जाते हैं। यार इस लॉक को लगाने के लिए ना हमें चाहिए एक अदद पेंचकस जो कि यहाँ, और मेरी तैयारी पूरी है कि मैंने इसको कैसे लगाना है। उसके लिए मेरे पास एक ये एक अदद ट्राईपॉड है, इसको लगाते वक्त रिकॉर्डिंग भी तो करनी है, हम ब्लॉगर हैं, सारी चीज़ें दिखानी भी तो है ना आप लोगों को। तो चलो चलते हैं ऊपर जाके इसको फिक्स करते हैं। ओके, तो यार अभी का सीन ये है कि ये देखो मेरे पास सिलेंडर आ गया इसका, तो लॉक इसको लगाते हैं दोबारा से ना, इसको ना फिक्स करना है। इसके अंदर कैसे लगाना है वो खैर अंकल मुझे बता गए थे, शुक्र जिसने ये लगाया था ना दरवाज़ा, वो मुझे बता गए थे बेटा इसको ऐसे फिक्स करना है, ऐसे ऐसे इसको एडजस्ट करना है। तो लगा के चेक कर लेते हैं, लग रहा है सही से लग जाए। अब थोड़ा सा औखा काम लग रहा है। ये क्या थोड़ा सा इशू क्रिएट करी जा रहा है, ये थोड़ा सा एरिया है जो मुझसे पकड़ में नहीं आ रहा। इंशाल्लाह हम इसको करेंगे क्लियर, बेफिक्र हो जाओ। जहाँ काबू आ गया ना वहीं सेट कर देंगे इसको। वो एक्चुअली ये दरवाज़ा है ना जो उनसे, इसका ज़्यादा ही काटा हुआ है उसने ना, इजाफी मतलब जिस एरिया से काटना था ना वहाँ से छोड़ के कहीं और से काटा हुआ है। ये ओके, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये लगा लिया लॉक, जबकि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। सो गाइज आप लोग देख सकते हो कि अब ये लॉक बिल्कुल प्रॉपरली लग गया है और कंप्लीट हो गया। ये देखो चेक कर रहे हो, ये एरिया ये दोबारा से लगाया आपके भाई ने, चेक करो। अब मैं भी आर्किटेक्चर बन गया हूँ। आर्किटेक्चर कहते हैं कि क्या कहते हैं मुझे नहीं उसका पता, क्या कहते हैं उसको, कारपेंटर, हाँ आर्किटेक्चर कह रही है, कारपेंटर बन गया आपका भाई। लो ये चाबी कंप्लीट हो गई, सही हो गया। तो अब ये देखो इसके लॉक खुल भी रहे हैं और ये लग भी रहे, ठीक है। चाबी लगा के भी चेक कर लेते हैं। ओके, ज़बरदस्त हो गया, चाबी भी लग रही है। इस चाबी को ना हम ये ड्रॉअर है ना जो इसमें रखते हैं ताकि घूमे ना, ठीक है। चाबी तू बंद हो, सही हो गया, बंद हो गया, इसको भी बंद कर देते हैं। सो यार जो मैंने काम करना था वो मैंने कर लिया, पसीनों पसीने हो गया हूँ मैं, क्योंकि उधर पंखा पंखा तो लगा हुआ नहीं, और वैसे भी मैं पंखा चला नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी होती है, फिर हमें नॉइज़ आएगी उसमें। लेकिन शुक्र है जो काम करने आया था ना मैं वो हो गया। तो अभी अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और नीचे चलते हैं। चल आ जा भाई, ले अपनी चाबियाँ, अपनी चाबियाँ देनी हो गई, तू शाबाश तू गिर जा नीचे, तू आ साथ ही मेरे। ओके, तो यार अभी हम जा रहे हैं नीचे, नीचे जा के कुछ खाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। एक तो धूप में घूमता रहा हूँ, पहले टाइलें वापस करवाई, फिर ये लॉक लेके आया, अब चिकन लेके आया हूँ,
और अभी ये नीचे लेके आया हूँ, तो चलते हैं अभी रूम में अपने, पंखे के नीचे बैठते हैं। ओके तो यार मैं रूम में वापस आ गया था, अभी मैं खाने लगाऊँ। मेरे पास खाने में है रोटी और चिकन, और वो दूर मेरा पानी पड़ा हुआ है, तो फटाफट से रोटी खाते हैं यार, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। खाना वगैरह मैं खा के ऊपर आके बैठ गया हूँ। तो आज ना यार चलो कुछ बातें करते हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, और तो यार कुछ बातें की हैं मैंने जो मुझे यूट्यूब से रिलेटेड पसंद हैं, और कुछ बातें जो मुझे यूट्यूब से रिलेटेड नहीं पसंद, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा और बताऊंगा। आज के व्लॉग में बस इतना ही था, इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अगर तो व्लॉग पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।